निजी गोदी गुरु बैठी गुरु प्यारी पातशाह जी फतेह प्रमाण करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास गुरु को विशा मिले है गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की इतनी महानता विशेषता विलक्षणता है कि सत्कार करना अपना ही जरूरी बनता है। कोई चीज अगर ज्यादा महत्व रखती हो ज्यादा अनमोली होटेंट हो वैल्यूएबल हो उसका सत्कार करना ही बनता है। साढ़े पास घर की कोई कीमती चीज हो बड़ा काम काम के रखते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब से है ही रत्न रत्न पदार्थ बहुत सागर भरिया रहा है तो इन्हों का सत्कार करना ही बनता है। गुरु सवायो गुरु ग्रंथ जी सत्कार वाचन वास्ते इन्हों का सत्कार किस तरह बनता है यह जरूरी बन जाता है कि इस महान ज्ञान के खजाने की महानता के ऊपर असी संक्षेप में झात मारी। संसार के वक्त वक्त धर्मों वाले जब अं नजर मारते हैं तो इस विच कोई शक नहीं कि जिंदी पक्षों सिख धर्म संसार के तीन वड्डे कहलाण वाले धर्म ईसाई इस्लाम और बुद्ध इसको बहुत छोटा है। लेकिन संसार की ऊंची लगाई धार्मिक अध्यात्मक समाजिक आर्थिक राजनीतिक ते सदाचारक जीवन दीयां सच्चाइयां तक लै जाने जे किसी धर्म का सब कुछ वड्डा योगदान हो सकता है तो वह है सिख धर्म। तो इस महान योगदान का आधार है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो सिख सतगुरां के संसार एक बहुत वड्डी देन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जब महानता की गल करिए ऐसी महानता जिसनों कलमबंद करना संभव है जिसनों लंबा नहीं बयान करना संभव है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र बाणी में जो प्रेम भक्ति ब्रह्म ज्ञान अध्यात्मक विद्या जो सदाचारक जीवन दियां जो बयान किए गए उन्होंने कलमबंद करना जरा संभव है। गुरु ग्रंथ साहिब जी जो मनुखता धार्मिक समाजिक आर्थिक राजनीतिक सेवा प्राप्त हुई हैं इसे दुनिया के वाहे ऐसे ग्रंथ हैं जेड़े विज्ञानी मनोविज्ञानिक प्रकृति बारे के संपूर्ण ज्ञान मनुष्यों को पुछते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मनुखता का वो सर्वोत्तम ग्रंथ है जिसके ना केवल सिख जीवन जाग के आधारित की जाती है सगों समुची लोगों का मार्गदर्शन करने वाले बेहद पैसे उजागर किए गए हैं जिसके ऊपर अगर पहरा दिया जाए तो एक सुंदर समाज दिया जा सकता है जिसके नफरत ईर्ष्या वैर विरोध किसी कोई थान नहीं होगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी ज्ञान का कोई कथा सागर है जिसके परमात्मा के नाम के अनेक ही रतन हैं रत्ना रतन पदार्थ बहुत सागर भरिया राम पानी गुरबाणी लागे दिन हथ चढ़िया है। गुरु ग्रंथ साहिब की रोशनी में मनुख के ज्ञान कढ़ के ज्ञान का प्रकाश करते हैं मनुख का सही मायने में विकास किस तरह होता है उसकी गल करते हैं। जिसकी गल गुरु अर्जन पातशाह जी ने मनाने के लिए की कहा कि संसार को बड़ी तीव्र भुख लगी थी उदार पर संसार जरा वो अंधेरे है तम संसार है अज्ञानता है उसको नहीं पता कि अज्ञानता की भुख है जी जी उदार भुख है यह किस तरह जी है दूर की जाए। पर गुरु साहब कहते हैं कि मैं इस ग्रंथ के लिए एक अध्यात्मिक भोजन का ऐसा खास परोसिया है जिसके परमात्मा के नाम रूपे तीन अध्यात्मक भोजन हैं सच संतोख आत्मक सूच देने वाला राम का जो नाम का जो भोजन है तो जो भी प्राणी इसको खाएगा इसको पूजेगा उसका उदार होगा। थाल विच तीन वस्तु पेयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पेयो जिसका सब सदारो जे वो खावे जे वो पूजे इसका कोई उतारो। पर इतने गुरु साहब ने ताकीद की कि यह वस्तु ऐसी है जिसनों सदा ले अंगीकार करना पड़ेगा अपने जिंदे विच विसाना पड़ेगा।
इसे चली लिए विकास है इसका त्याग है वो अपने आप ही खतरा है ये वस्त तजी न जाए नित नित रह पुरतारो तम संसार चल लग रही है सब नानक ब्रह्म और ताकि जिंदा है कि ताकि कोई भावे तुला है लेकिन तब जब कोई दूसरे ना मिलने तब जेल ही कर पाए तो आचरण से बाकी धर्मां कह रही जो कुछ भी है उसकी एक खास विशेषता है तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कहता है कि गुरु ग्रंथ साहिब की अटल सच्चाइयां के सामने समुद्र के पहाड़ से हद बने जड़े वो हट जाते गुरु ग्रंथ साहिब की विलक्षणता इस करके भी है कि दुनिया का वाहिद ऐसा ग्रंथ है जिन्हों उन्होंने आगुआ ने गुरु साहबान ने अपने समय के लिखिया अते अपने समय के लिए तैयार करवाया दुनिया का और कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसने उन्होंने आगुआ ने अपने समय के लिए लिखा हो या तैयार करवाया है अते इसे नाल वही ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिन्होंने गुरु की पदवी के लिए प्राप्त हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच जो बाणी गुरु साहिबान ते भगत साहिबान ने परमात्मा दे नाल इकमिक हो के विस्मार की अवस्था में आके एक रस हो के परमात्मा दे नाल मिल के अते उसकी कृपा द्वारा ही हासिल की अते उस नु जिहड़ा है ओ बाणी दा नाम दा शब्द दा नाम दा जैसी मैं आवै खत्म की बाणी तैसरा कही ज्ञान गया गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सिख सतगुरां ने वो महान परफा मनुखा नु दिता कि जीती रोशनी के बीच एक सुचजी जीवन जांच के लिए है वो असी जी सकते हैं इस दे विच मेरी से पीर बन के मनुख नु इस ब्रह्मांड विच अपना निश्चित योगदान पाना सिखाने वाले सिद्धांत एक किताब एक स्नेहा बालक अनुसार सानू भरा प्राप्त करना सिखाने वाले सिद्धांत जिस जीवन अकलची जाए सब हराम के ना दिखाए सवै मान ते अलग ना किया खान वाले सिद्धांत अते हक पराया नानका उस सुवर सुगाए चढ़े सत्ता ने किसी का हक ना मारना खान वाले सिद्धांत एक मारक पैर चले जाए सिर दीजे काम ना कीजे चढ़े सत्ता ने किसी का हक ना मारना अते सवै मान ते अलग ना किया खान वाले सिद्धांत अते जगत जगन्ना रख लै अपनी कृपा तार अनुसार सपना का भला मंगना अते करना सिखान वाले कुदरत ने नियमों नाल मेल खाने सिद्धांत इस करके फारम इतिहासकार भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की महानता के सिर झुकाते हैं ते जेडे कहंदे कि इह साडी इतिहासकता है उन्हां नूं भी इतिहासकार फारम इतिहासकार दे नीता पढ़ लेनी चाहीदियां इस पर तक कर कहंदी है कि इस ग्रंथ का आकार भावें वड्डा है इस ग्रंथ का आकार भावें वड्डा है पर इसका प्रभाव ऐसा है कि बंदे दे अंदर बुद्धि छा जांदी है मनुखी मन दिया अथाह पकड़वाइया गलों का भेद इस ग्रंथ में उजागर किया गया तो इसकी बाणी भावें कोई नास्तिक है भावें कोई आस्तिक है भावें अमीर है गरीब है यह सारे को यह संबोधन करती है तो ऐसे ज्ञान के सागर ऐसे गुणा के खजाने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहड़ा सत्कार है वह हर एक मनुख का जिहड़ा वह फर्ज बनता जो गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप तैयार करवाया अते हरिमंदर साहिब ने प्रकाश करवाया उस दिन को आप जो है उस संगत के बीच बैठना जड़े शुरू हो इतना सत्कार का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सो हूँ असं वाचिए कि गुरु ग्रंथ साहिब का सत्कार की है तो असं की करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश बड़ी अनुकूल थान पर होना चाहिए होटल मैरिज सैटा के बाजार गंदे प्लाटा भी तंग से भीड़िया जलां गलिया भी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करा वो बेदबी इस दे नाल नाल उन्हां घरां दे विच जिन्हां दे घरां दे विच शराब दीआं बारां या शराब दा सेवन हुंदा है उन्हां घरां दे विच भी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करवाना जिहड़ा वो बेदबी है थोड़ा समां पहले अकाल तख्त उप्पर हुकमनामा भी होया है कि जिन्हां घरां दे विच शराब दा सेवन हुंदा है शराब दीआं बारां उन्हां घरां दे विच भी गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश जिहड़ा नहीं होना चाहीदा इह इक सत्कार है हुण होटलां दे विच उत्तर सानू गुरु साहिब का प्रकाश जिहड़ा नहीं करना चाहिए जिस वातावरण में जान हो जिस संगत में जान सानू गुरु आप मना करता हो
उस जगह के ऊपर सानू श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर प्रकाश नहीं करना चाहिए। यही सत्कार है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के अनेक प्रमाण गुरु साहब ने दिए। गुरु साहब आपके इस मजलस को अजि कॉकटेल पार्टी को सानू विवर्जित कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाना जी को संबोधित करके श्लोक लिखे हैं अपने पहले श्लोक में कहते हैं तन तलवारी काम मद मनवा की बनहार क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार मजलस कूड़े लगती पीती हुई हुआ कि इस ऐसी मजलस की ऐसी कॉकटेल पार्टी भी सानू नहीं जाना चाहिए। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे सारे हो जानन झूठा मन चाक होए तुम बावर दुर्लभ जन्म पाए रेना कहती करे हैं कि तू किया जाए ना पर करे जिस जगह के लिए कॉकटेल पार्टियां होती हैं जिस जगह के लिए शराब का सेवन हो रहा है उस जगह पर जाकर के गुरु अर्जन प्रकाश करें हम रुकना देंगे अश्लील गीत गाए जाते हैं अश्लील गीत से गुरु साहब की बाणी से अच्छा पाई हुई बाणी धुर तू आई हुई बाणी उस वाहेगुरु तू आई हुई बाणी उस वाहेगुरु की तुम टोटल लिखी हुई बाणी जी सानू गुरु नाल मिलाती है सतगुरु की जिस नो मतलब है सो सतगुरु वाहेगुरु यह बाणी तो जीव जाना है जिस जिस अंदर रह सकता वह बाणी जिसे गुरु अर्जन देव पास आप कहते हो कि मेरे मोहन श्रवणीय ना सुनाए सात गीत नाद गुरुदावत बोलत बोल जाए गुरु अर्जन देव पास यही गल कहते हो कि मेरे गलों में उस पास ना लैके जाए मेरे पैर उस पास ना चले कि मेरे गलों के लिए शरीर गीत पैन तो उस जगह के ऊपर जाके गुरु साहब का प्रकाश करें उन्हीं जगह के ऊपर जो डांस चल रहा है गुरु नानक देव जी आखा के बारे में कहते हैं कि नचन मुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना कि यह नचना कूदना जड़े जो मन के शुगर तो गुरु ग्रंथ साहिब के सत्कार को शुगर नहीं है कि जिसे एक पास अभी नचते मुदते हुए दूसरे पास से गुरु ग्रंथ का जरा प्रकाश नहीं तो इतने से शुगर की गल नहीं इतने भाव के भाव की गल कि परमात्मा का भय अगर होगा तो कल साढ़े अंदर प्यार आए गुरु साहब जो है सिखी सिक्ख्या गुरु विचार गुरु की विचार भी है वो सीखी है तो अभी गुरु की विचार लाभ रख के मन में शुगर करिए यह गुरु ग्रंथ साहिब का सत्कार नहीं है। कितना अजूबा कर जिन्हों बाबा बुढ़ा जी चुक के लिया पहले गलती बंदे गुरु अर्जन देव पातशाह चोट आ गया उस गलों को अभी गले पाठा से लै गए तंग के पीने गलिया से लै गए होटलों से लै गए मैगी पैकटा से लै गए जिसे वो चीज होती है जिसे गुरु साहब किसी को विचार को मना करते हो हम तरह के इतने शराब का सेवन होता है अपने आप को धरती पवाने वास्ते माया का प्रकाश जरा करते हैं अखंड पाठ करते हैं उसके बाद जो है वह शराब का सेवन शुरू हो जाता है। हम जिस जगह के ऊपर अखंड पाठ साहब होया जिथे गुरबाणी के दो तीन प्रवाह चले जिथे सानू गुरु अमरदास पातशाह यह कहते हैं कि जित कीते मत दूर होए फिर तो बैठ जाए अपना पराया नाम सारे खत्म कर लेगा जिथे सानू गुरु पातशाह गुरु साहब यह गल कहते हो उस जगह के ऊपर यह बाणी का सरवण करके देख बरता के तो जो महाराज का स्वरूप जो भेजता उसके बाद उस जगह के ऊपर शराब के दूर शुरू कर दी क्या उस घर के उस जगह के ऊपर शराब नहीं दी सी क्या गुरु साहब ने सानू शराब के मना नहीं किया कि एक सत्कार कर रहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो वह ऐसा ग्रंथ जिसनों आ गया कि दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता उस ग्रंथ को सारा जो मर्जी जी ने ला के लै गए बर्दे बना लिया शगन लै लिया उस जगह के लिए शराब के दो शुरू कर दिए यह गुरु ग्रंथ साहिब का सत्कार नहीं है। दूसरा सतगुरां का प्रकाश होने किसी भी मनुख का गदेला कुर्सी चौकी मंजी लगा के बैठना यह मन में सत्कार नहीं है। लेकिन आप देखा जाता है कोई बी एड आ जाता है कोई साल अंत आ जाता है असं उधर ही गदेला जरा लगाते हैं जो कि मन मत है गुरु साहब का सत्कार नहीं है। आम गुरुद्वारे कुर्सियां सैकियां चौकियां जो आज लग गई जिस तरह जिस तरह छोटिया की बीमारी बढ़ती है उस तरह तरह टोकड़ा मारना मुश्किल होता है तो जो लोग टोकड़ा नहीं मार सकते वो प्रबंधकों यह गल कहते हैं कि साढ़े लिए जरा वो कुर्सियां का चौकियां का इंतजाम हो प्रबंधक यह गल सोचते हैं कि इन्होंने इन्होंने लोगों को ही जिन्होंने
है इतने बड़े बड़े का स्पीकर माइक लगे हुए हैं जिन्हें लोग जो लोग संगत से चोपड़ा मार के नहीं बैठ सकते वो बात मार आते बात कुर्सियां चक्कियां लगा के हैं जिसे कथा कीर्तन की आवाज आती है ताकि वो मर्यादा भी बनी रहे जरा पानी का अलाह जरा लेना वो भी आए महा महा चढ़िया
देखेगा पुराना ते तेरा अंदर गया को मोड़ना शुरू हो जाएगा ते अहंकार तेरे अंदर चला जाएगा देख फूल फूले अहंग दिया और भगत नाम देव जी कहते कि मैं जिधर देखना उधर परमात्मा जरा के एक आ गया जिधर जाऊं तब निकल जाएगा महानंद निकल जाएगा वो कहते कि मैं सोचा कि मैं पूजा कर रहा हूं कि मैं फूल लेके आवा पानी या फूल परोई के माता ठाकुर की ओर पूज करूं पर मैं देखा क्या कि पहले बात नहीं है पौड़े निकल जाएगा कि परमात्मा जरा पहले ही पौड़ा पा के फूल की बात लाए तो भगत रविदास जी के कहते माई तो भी तो पूजा कहा लेते हो और ना तो रुकना था कि मेरे को ऐसा कोई फूल ही नहीं है जितना मैं मेरी आरती कर रहा तेरी पूजा कर सकता तो मैं क्या थे मैं मतलब परमात्मा की पूजा नहीं करेगा कहते हैं तक मन अर्पो पूज चढ़ाओ गुण प्रसाद मिल जिन पाओ कि मैं अपना तन ते मन मेरा एक मैं अर्पण कराँगा तो देखो भूस है और गुरबाणी जी के सामने मूर्ति है कि फूल अर्पण करो रूप दे ते असि कोई मूर्ति की पूजा बड़ी कर रहे हैं असि गुरुदेव का सत्कार कर रहे हैं जे फूलों की सुगंधी है वो परमात्मा को आप जरिए पहुंच रही है सगल मन राय फूलों की सुगंध जेड़ा फूल खिलता पे है उसकी सुगंधी परमात्मा को आप पहुंच रही है ते असि इसको थोड़े प्रदूषण पैदा करते हैं असि कहते हैं कि सत्कार कर रहा हूं हम सब कहते हैं कि जे सुगंधी है वो अपने आप उसकी आपकी परमात्मा तक पहुंच रही है गुरु ग्रंथ है आप निर्विकार होकर सुगंधी मान रहे तो ये असि वाहि सत्कार कह सकते हैं लेकिन सिद्धांत के मुताबिक यह एक सत्कार नहीं है कई व्यक्ति के रूप में ऊपर चले हैं वो गुरु ग्रंथ के कोई फूल चुक देना पगड़ी के लगा दो वो क्या कहते हैं बख्शिशा हूं अगर इस तरह की बख्शिशा उनको ना हो जा तो गुरु नानक देव जी को जपजी साहब ने पांच खंड उचारण करने की हूं हमने रुमालिया की जा के लिए कोई गुरु ग्रंथ के सत्कार लिए या सत्कार का एक अंग है रुमाले के वो पतले सादे सिंपल रुमाले साफ सुथरे रुमाले बन गए वो तो भटीले चमकीले तस्वीर वाले पतले रुमाले जो नहीं होते इस नाल जरा ना जरा दरिया चंदुआ साहब गदेला ये सारे साफ सुथरे होने चाहिए असं श्रद्धा सुखे रुमाले भेट करते हैं कोई सपना सुखता है कोई मनता मंगता है किसी की मनोकामना पूरी होती है रुमाले भेंट करता है लेकिन इतिहासिक गुरुद्वार ने देखी इन रुमाले कीमती रुमाले दिन बड़िया बड़िया लंबी लाइन लग रही सपना पूरिया करने वास्ते कई बजे साल साल लग जाता है साड़ी बार ही आई है कि चंदुआ साहब चला लेकिन गुरु ग्रंथ साहब सारी जगह एक सत्कार भी कोई आना चाहिए उस इको जी सिक्ख्या अगर दे गई लेकिन ऐसा नहीं है पिंडा के गुरुद्वारे के इतिहासिक गुरुद्वारे के लिए फर्क जेडे पिंडा ना कोई श्रद्धालु उधर आता है ना उसे कोई किसी मनोकामना पूरी हो जाए रुमाला भेंट करता है तो सारी जगह अगर गुरु साहब एक जाए तो इतिहासिक गुरुद्वारे के लिए जो है बड़े कीमती कीमती रुमाले होते हैं तो श्रद्धालुओं ने इसी गल पर ध्यान देना चाहिए कि गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब की सारी जगह एक जाए सत्कार एक जाना चाहिए ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਭਜਣੀ ਪੈ ਜੀ
ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਪਛਾਣ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਹਰੀਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੁਆਈ ਹੋਣੀ ਇਹਦੀ ਬੇਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸਬੂਤ ਸਮਾਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਈਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਜਲਾ ਦਈਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਮੇ ਸਭ ਕਾਮੇ ਹਰ ਹਰ ਹੁਕਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸੁਣੈ ਸੁਭਾਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਕੁਆਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਪ ਕਰ ਨਾ ਤਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਗਾਵੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇਖਾ ਕੁੱਲ ਮਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਿਰਾਣਾ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਰਨਾ ਮੋਲ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਤਨਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਰਵਰ ਅੰਤ ਧੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਕਸਮੈ ਇਹ ਰਹਿ ਪਾਣਾ ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਤੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੰਤ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਬਦਲਾ ਸਾਥ ਨਾ ਰਹੀ ਗਰਬਰ ਜੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਏ ਸੋ ਸੁਸ਼ੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 400 ਉੱਪਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪਿਤਾ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਲ ਇਤਰਾਫ ਕਰਾਏ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪੂਰੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਕੋਵਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਛੋਟੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਸੁਭਾਗਨ ਨਾ ਉਰੰਦ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜੈ ਗੁਰ ਭਿੱਖਿਆ ਕਿਤਨੇ ਬੀਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਗਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦਿਓ ਧੂੜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ 80-90% ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਸਰੂਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਲਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਲਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਘੁਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਇਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ